हाथ सिर्फ लड़ा रहे हैं, एक दूसरे पे दूसरे से हटा के बैठा रहे हैं, या तो वहाँ जाके बैठो वहाँ जाए, ये अपनी ठकुराई नहीं चीजें दिखा रहे हैं, बस हर जगह ठकुराई नहीं चलती है। माहौल यही है कि इस बार लोग इंजीनियर साहब को पसंद कर रहे हैं जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं। 5 साल बीत गया कार्यकाल का, कोई भर्ती नहीं निकाले हैं सर, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। पसंद की बात अगर करते हैं तो सबसे अच्छा तो जब बसपा की सरकार थी पहली बार, हाँ उसके मुकाबले शासन अभी तक हुआ नहीं, इन लोगों ने लाख ढिंढोरा पीटे लेकिन वो शासन तो सबसे बेरोजगारी तो है ही लेकिन उसके साथ थोड़ा फायदा भी है। क्या फायदा? 2000 किसान को 2000 मिल रहा है। जब इतनी कहते हैं योगी जी कि हमने बहुत विकास किया, हमने बहुत विकास किया है, तो इतना संघर्ष करने की कौन जरूरत है, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं ये? हम लोग भाजपा को दिए थे, भाजपा को दिए थे, इस बार सबक देंगे। नाराज इसलिए है बेरोजगारी बहुत हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव। इस समय हम चुनावी यात्रा पर हैं और हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। तो हम जौनपुर ज़िले के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो यहाँ चुनावी माहौल क्या है, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम क्या सोच रही है, यहाँ का माहौल क्या है, तो यहाँ के लोगों से जान लेते हैं कि आखिर वो इस बार किसके साथ जा रहे हैं। तो एक चर्चा है उनसे जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? इस्लाम। तो इस्लाम सर, इस बार बादशाहपुर कौन जीत रहा है आपके हिसाब से, क्या लगता है? यहाँ से लड़ाई जो आपकी बात त्रिकोणी लड़ाई है, त्रिकोणी लड़ाई है। अभी इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सपा, बसपा, हाँ और बीजेपी, हाँ ये तीनों में त्रिकोणी लड़ाई है। कांग्रेस जो है एकदम इस वक्त सबसे अलग है। अच्छा, कांग्रेस पीछे है? हाँ वो लड़ाई में नहीं। हाँ बहुत पीछे है वो। अच्छा, तो आप किसके साथ जा रहे हैं? भाई हम तो सपा को करेंगे, सपा के साथ। हाँ तो मुद्दे क्या होंगे? सपा वालों ने राज किया था यहाँ पे 5 साल, अखिलेश जी ने क्या नहीं दिया था, सड़क नहीं दिया था, अखिलेश जी ने बहुत किया था 5 साल में। हाँ फिर ये अगले 5 साल में जो योगी ने इनसे छीना जो है, कुछ कमजोरियां उनकी थी अखिलेश की, जिसका फायदा योगी ने उठा लिया था। अच्छा, आपने सपा सरकार देखी, बसपा भी देखी होगी, और उसके बाद अब योगी सरकार देखी, सबसे बेहतर शासन किसका रहा? सबसे बेहतर शासन यहाँ पे सिर्फ अखिलेश का था, जो पीछे 5 साल का था, उससे बढ़िया किसी शासन यहाँ नहीं। योगी कार्यकाल अच्छा नहीं लगा? नहीं, योगी कार्यकाल कहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से हटा के बैठा रहे हैं, यहाँ तो वहाँ जाके बैठो वहाँ जाए, ये अपनी ठकुराई नहीं चीजें दिखा रहे हैं, बस हर जगह ठाकुरशाही नहीं चलती है। ये मेल मिलाप की हमारी जो है ये कंट्री है कि मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बना के चलो, ये हमारे ठाकुर साहब जो है अपनी ठकुराई दिखा रहे हैं बैठ करके ऐसे कुर्सी पर। वो तो कहते हैं हम योगी हैं, आप कह रहे ठाकुर साहब। अरे योगी क्या, योगी ये तो ठाकुर होता है तभी तो योगी का भेष पकड़ता है। तो कहते हम संत हैं, आप ठाकुर साहब, उन्हें जात के साथ। योगी का भेष ठाकुर ही पकड़ता है, दूसरा कोई शब्द नहीं पकड़ता है। हाँ अब दूसरी बात, आपने कही ये लड़ा रहे हैं। हाँ लेकिन ये कह रहे हमने कानून व्यवस्था बेहतर कर दी ना। अब उनकी वही हाल है कि योगी का भेष लिए प्रीतम ने तेरे, गोरी सुन ले बलम के बोल। हाँ बस ऐसे है, हाँ कि सही है तेरे द्वारे खड़े, मालूम हुआ कि उसाली घर से बहरे नहीं निकल रहे, योगी जी बेचारे जो है, हाँ सब इधर उधर कर रहे हैं ऐसे। तो कुछ युवा साथी उनसे भी जल, क्या नाम? मेरा नाम प्रशांत है। तो किसके साथ जा रहे हो, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल काफी अच्छा है, लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कोई एक क्षेत्रीय नेता आए, क्योंकि यहाँ मुगरा ब्लॉक से आज तक कोई विधायक नहीं हुआ, जो भी बनते हैं सुजानगंज में बनते हैं, और इसी कारण जंघई की भी रोड देख लें या जंघई का फाटक देख लें, वहाँ पे भी घंटों जाम, यहाँ पे भी बादशाहपुर में भी घंटों जाम, और यहाँ का हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे कोई नवीनीकरण नहीं, आप चले जाएँ तो कुछ मुहैया नहीं आता है, कुछ मुहैया नहीं कराया जाता है। और रही बात यहाँ पे शिक्षा की, शिक्षा का स्तर भी बिल्कुल गिरा हुआ है। मुद्दे हो गए, लेकिन माहौल क्या है, आपने माहौल बताया? माहौल यही है कि इस बार लोग इंजीनियर साहब को पसंद कर रहे हैं जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं, वो इस बार माहौल में हैं और लोग उनको चाहते हैं कि वो जीते, क्योंकि एक शिक्षित नेता ही अपने विधानसभा का अच्छे से ख्याल रख सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो आप बसपा के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? रमा शंकर नाम है सर। रमा शंकर जी किसके साथ जा रहे हैं? हम सर पंकज पटेल के साथ हैं सर। पंकज पटेल सपा में जा रहे हैं? सपा में जा रहे हैं। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? बेरोजगारी सर, इतना ज्यादा बीजेपी कार्यकाल में बढ़ गया, हद से ज्यादा बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी बढ़ गई, योगी सरकार के 4 लाख से ज्यादा लोगों को, सिर्फ ढकोसलाबाजी है, सिर्फ पेपरबाजी है सर, और कोई भर्ती कोई कुछ नहीं निकाले हैं। 4-5 साल बीत गया कार्यकाल का, कोई भर्ती नहीं निकाले हैं सर, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है सर, इतना ज्यादा साठ छोड़ दिए हैं सर, सब जान लीजिए पूरा खेत और चौपड़ कर दिए जा रहे हैं, इनके सरकार नरक कर दिए हैं सर। किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि 60 से ये कुछ नहीं, किसान क्या दोगुनी कर दिए हैं सर, हम आप ही बताइए क्या कर दिए हैं,
किसान के लिए, कुछ नहीं किए हैं। किसानों के खाते में सीधा 2000 रुपए दे रहे हैं। अरे 2000 सर, 2000 कहाँ सब दे रहे हैं सर, कुछ नहीं। बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है इनके कार्यकाल में। तो आपके मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे बेरोजगारी है सर। अच्छा, बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी। तो कुछ और, एक और चचा है, उनसे बात कर लेते हैं, वरिष्ठ है। क्या नाम है आपका? मंगल लाल। इस बार क्या माहौल लग रहा है बादशाहपुर, कौन जीत रहा है, सपा बसपा या बीजेपी? अब भाई सब अपने अपने प्रयास में, अभी हम कैसे कह दें कि मतलब कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा। देखो ये चुनाव का माहौल है, आप चुनावी चर्चा हर जगह होती होगी। वो होती है, ठीक। अच्छा, है आप किसके साथ जा रहे? एक बात आप इसको समझिए, जो जिस चश्मे को लगाता है उसको वही जीतता हुआ दिखाई देता है। ये बात तो सही है, सही है ना? आपसे, आपकी बात से सहमत। हाँ, तो आप किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, हम अब ये हम काहे को बताएं। अच्छा, ये हम नहीं बताएंगे। अच्छा, योगी सुनिए, आप सुनिए, मत जो है वो गोपनीय है, उसको हम नहीं व्यक्त कर नहीं सकते। बता सकते ना? लेकिन आप ये बता सकते हैं, योगी का शासन देखा आपने, बीएसपी का भी देखा होगा, सपा का देखा होगा, सबसे अच्छा शासन किसका रहा? नहीं, शासन की बात अगर करते हैं तो सबसे अच्छा तो जब बसपा की सरकार थी पहली बार, हाँ, उसके मुकाबले शासन अभी तक हुआ नहीं। इन लोगों ने अच्छा। लाख ढिंढोरा पीटे, हाँ। लेकिन वो शासन बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा शासन मायावती। हाँ, और दूसरे नंबर पे? अब दूसरा तीसरा नंबर अब जो आएगा सब अपना देखिए, लेकिन बताएंगे हाँ। नहीं आप किसके साथ जा रहे हैं ना? तो एक और युवा साथी है, क्या नाम है आप? जुनैद खान। जुनैद जी किसके साथ जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी, समाजवादी क्यों, क्या उम्मीद है? उम्मीदें हैं बुजुर्गों को जो पेंशन है वो वापस आनी है। अच्छा, ओपीएस सिस्टम। ओपीएस सिस्टम, तो लगता है कि जो पुरानी पेंशन अगर बहाली होगी तो ये प्रभाव डालेगा इस चुनाव में? इस प्रभाव भी डालेगा। हाँ। और इसके साथ साथ दो तीन काम ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। क्या क्या बताइए? एक आपका मुद्दा ये है साण वाला, जान रहे हैं, और दूसरा मुद्दा ये है बेरोजगारी, जनता कितनी परेशान है आप देख रहे हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं हमने, ये बात तो मानते ही नहीं, तो कहते हैं कि 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। अच्छा, आप बताइए 2 करोड़ में 4 लाख दिए, क्या दिए आप? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, क्या दिए आप? और क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे हैं समाज ठीक ठाक चले। अच्छा, और क्या? एक और चचा है, उनसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? कहा मतलब क्या है, क्या है? नहीं, ये चुनाव का सर्वे है, आप बताइए इस बार माहौल क्या है बादशाहपुर में? सर्वे हम न करिए बता पाएंगे कहाँ, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? हम ये पूछ रहे हैं कि इस बार क्या माहौल है, कौन जीत रहा है यहाँ पर, सपा बसपा या बीजेपी? ये हम नहीं बता पाएंगे भाई कौन जीत रहा है। अच्छा, आप किसके साथ जा रहे हैं? ये हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ये भी नहीं बताएंगे। तो और कुछ लोग हैं, आपका क्या नाम है? प्रमोद दुबे। दुबे जी किसके साथ जा रहे हैं? भाई हम लोग तो अज्जू भैया के साथ हैं। अज्जू भैया, हाँ, अज्जू भैया के साथ। तो हाँ, तो फिर बीजेपी। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे बेरोजगारी तो है ही, हाँ, लेकिन उसके साथ थोड़ा फायदा भी है। क्या फायदा? 2000 किसान को 2000 मिल रहा है, ई श्रम का जो है बेरोजगारी भत्ता भी वो इच्छा मिल रहा है, ई श्रम कार्ड लोग बनवाए उनको भी 1000 रुपया मिल रहा है, लाइट व्यवस्था भी अच्छी है। भाई अगर सुविधा चाहते हैं तो पैसा खर्च करना। से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2000 तो देते हैं, राशन भी दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है हमारा पशु चर जाते हैं, खेतों का नुकसान कर जाते हैं। भाई खेतों का नुकसान तो कर जा रहा है, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो हम लोग हैं ना। हाँ, हम क्यों छोड़ दे रहे हैं? आखिर छोड़ तो हम रहे हैं ना, योगी जी छोड़ने नहीं आ रहे हैं ना, उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको हमको अपने ऊपर कंट्रोल लगाना चाहिए, हम रखे। अच्छा, आप क्या मानते हैं बादशाहपुर में क्या माहौल है, टक्कर क्या, टक्कर है या एक तरफा है, क्या लगता है आपको? टक्कर तो है ही, टक्कर है, टक्कर अज्जू से है, पटेल से है, लेकिन फिर भी अज्जू भारी है। अच्छा, अज्जू भारी है। हाँ। तो कुछ हम, और लोग हैं हाँ। के हम बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा, बीजेपी के। हाँ। और फिर भी अज्जू भारी है। अच्छा। हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, एक चाची उनसे बात कर, क्या नाम है? पंकज पटेल भारी। नहीं, मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे अभी बताए ना आपको। अच्छा, आपसे बात हो गई है। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन। महंगाई से एकदम परेशान है, पूरी जनता परेशान है। काम काम अच्छा नहीं लगा योगी? एकदम एकदम कुछ काम अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप क्या नाम है आपका? अरे जब इतनी कहते हैं योगी जी कि हमने बहुत थोड़ा ऐसे विकास किया, हमने बहुत विकास किया है, तो इतना संघर्ष करने कौन जरूरत है, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं ये? इनको मेहनत करने नहीं चाहिए था, अपने विकास को परोट लेना चाहिए था। तो विकास गिनवा तो रहे ना ये? क्या गिनवा रहे हैं? बेहतर सड़कें दे दी, कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया। हाँ, और क्या दिया? महंगाई इतने ऊपर पहुंचा दिया कि आज आदमी
जेब भारी हो गया उसका। इस चुनाव में महंगाई मुद्दा है, महंगाई बहुत मुद्दा है। आप वोट करने जाएंगे क्या क्या मुद्दे होंगे आपके दिमाग? बहुत से मुद्दे हैं भाई, बताइए बताइए थोड़ा। अरे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, सब तो यही बैठा है। अच्छा नहीं लगा आपको? कोई काम अच्छा नहीं किया इन्होंने। अच्छा। जो पुरानी सरकार कर चुकी थी वही से फीता काटते चले आ रहे हैं आज तक। ये आज तक इन्होंने कोई काम किया नहीं है, कोई नहीं नया काम। ये कहते ना हमने रोडवेज जितनी बसें चल रही है वही चल रही है, कोई रोडवेज नहीं इन्होंने नहीं निकाला। 100 नंबर जो था आज 112 कर दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने। कौन सी जरूरत थी? कोरोना काल में हमने गरीबों को राशन दिया फ्री में, पांच क्या वो अपने जेब से दिए? वो सिलेंडर 1000 कर दिए, वही कम कर देना चाहिए इनको। हम ही से पैसा लेके हम ही को आप दे रहे हो, ऐसा चूतिया बनाए पड़े हैं। कब तक झूठ बोलोगे भाई? तो उम्मीदें किससे? झूठ बोलने की इनके पास जो नाराजगी है, नाराजगी कौन दूर? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव में कौन आना चाहिए? बस यहाँ पंकज पटेल आ रहा है। अच्छा सपा? हाँ। क्या नाम? चंद्रशेखर यादव। किसके साथ जा रहे हो? पंकज पटेल। पंकज पटेल सपा में, मुद्दे क्या है आपके, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पे इतनी बेरोजगारी हो गई है। अच्छा। कि वो बेरोजगारी दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको पार्टी बदलना पड़ेगा। अच्छा क्या नाम है? इस बार सपा सरकार आएगी। सपा? सपा क्यों? भाजपा महंगाई के नाते जा रही है, महंगाई बेरोजगारी बहुत कर दी है। सही सही बताइए, 2017 में किसे वोट किया था? हम लोग भाजपा को दिए थे। भाजपा को दिए थे तो इस बार सपा को देंगे। नाराज इसलिए है बेरोजगारी बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई। हाँ अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? इस बार पंकज को जिताना है, सपा सरकार बनाना है। तो लगता है बादशाहपुर कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? पंकज जीत रहे हैं। पंकज जीत रहे हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है।